स्टूडेंट्स वेलकम टू सोशल स्कूल मैं हूं आपकी अनुष्या दीदी एंड कैसे हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स आई होप आप सब ठीक हो एंड आई आल्सो होप कि आप लोग सुपर रेडी हो आज के सेशन के लिए तो आज का ये सेशन हमारे क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है आप लोग को पता ही है कि आपका एक चैप्टर है फेडरलिज्म आज के क्लास में फेडरलिज्म चैप्टर का वन शॉर्ट है मतलब इसी क्लास में हम पूरे चैप्टर को खत्म कर देंगे ठीक है तो आगे बढ़ने से पहले जिसने भी ज्वाइन कर लिया है कॉमन सेक्शन भर दो मुझे पता लग जाए हमारे बच्चे आ गए हैं क्लास में फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो कौन कौन है क्लास में नवदीप हाय निकाहत मनीषा पूजा हाय हेमा गुड इवनिंग कैसे हो आप ठीक है और आ, लविष्का हाय सुमित ओम प्रकाश अदिति सबको हाय सबको गुड इवनिंग कैसे हो आप सब ठीक है यहाँ जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड बेस्ट वीडियोस के लिए ठीक है और जो हमारे पुराने बच्चे हैं तुम्हें तो पता ही है क्या करना है वीडियो को लाइक करो और अपने सारे ग्रुप्स में शेयर करो सबको बता दो कि दीदी लाइव है सबको बुला लो यहाँ पर ओके हाँ लाइव क्लास है यार आज सबको गुड इवनिंग हेलो नीलम ठीक है तो मुझे लग रहा है काफी सारे बच्चे आ गए हैं हमारे सेशन स्टार्ट करें एक बार जल्दी से कॉमन सेक्शन में बहुत सारे फायर इमोजीज भेज दो ठीक है फिर हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं फेडरलिज्म आज हमें इस चैप्टर को फिनिश करना ओके एक स्टूडेंट का नाम है पढ़ ले भाई अच्छा गुड इवनिंग बेटा राम हेलो प्रीति आर्यन नवदीप चलो बहुत सारे फायर इमोजीज़ दिख रहे हैं मुझे बहुत ही बढ़िया स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने सेशन को सब लोग अपनी एनसीआर को साथ में साइड में ओपन कर लो ठीक है आ, स्टार्ट करते हैं सेशन ठीक है चलो तो सबसे पहले एक छोटू सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं फेडरलिज्म से रिलेटेड कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो अगर आप इंडिया के मैप्स को कंपेयर करके देखो जो हमारा प्रेजेंट मैप है उसे आप अगर इंडिया के ही किसी पुराने मैप के साथ कंपेयर करके देखो फॉर एग्जाम्पल अगर आप नाइनटीन का इंडिया का मैप खोल लो एंड दूसरे साइड आप क्या करो अभी का इंडिया का मैप ओपन कर लो तो आपको दिखेगा कि इन दो मैप्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस है है ना एक चीज जो आपको बहुत क्लियरली दिखेगी वो तो ये होगा कि स्टेट्स का ऑर्गेनाइजेशन अलग तरीके से हो रखा है बहुत सारे नए स्टेट्स बन गए हैं तो बहुत पहले क्या था जब ब्रिटिशर्स थे हमारे यहाँ पर तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे अपने कन्वीनियंस के हिसाब से स्टेट्स को बांट देते थे ठीक है जैसे उन्हें मैनेज करना जैसे उनके लिए एडमिनिस्ट्रेशन करना आसान होता था उस हिसाब से वो लोग स्टेट्स को बांट देते थे ठीक है पर फिर अब तो ब्रिटिशर्स चले गए तो अब काफी सारी चीजें बदल गई हैं इनफैक्ट आप ये भी नोटिस करोगे कि बहुत सारे एरिया का या फिर स्टेट्स का नाम भी बदल गया है ओके okay, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैसूर चेंज टू कर्नाटका ठीक है मद्रास तमिलनाडु बन गया तो ऐसे नाम भी कुछ कुछ एरियाज के बदल गए हैं है ना आपके एनसीआरटी में प्रॉपर मैप्स दे भी रखे हैं, तो आप बस मतलब फॉर योर क्लैरिटी बस एक बार नजर मार लो मैप के ऊपर कि हाँ, का, काफी डिफरेंस है दोनों मैप्स में ठीक है चलो नेक्स्ट आपको क्या बता रहे हैं कि जब तक तुम लोग ये चैप्टर फिनिश करोगे आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा सबसे पहले तो यार चैप्टर का नाम ही फेडरलिज्म है तो सबसे पहले जब तक ये चैप्टर हमारा खत्म होगा आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा कि यार फेडरलिज्म क्या होता है ठीक है सेकंड क्या है हमारे इंडिया के संविधान में फेडरलिज्म से रिलेटेड क्या क्या लिखा हुआ है ये भी तुम्हें मतलब एकदम क्लियर हो जाएगा थर्ड क्या है सेंटर और स्टेट के बीच में क्या क्या इश्यूज हैं क्या क्या दिक्कतें हैं ये भी आप इस चैप्टर में समझोगे और क्या आप समझोगे आपको ये भी समझ में आएगा कि हम लोग इंडिया में कुछ स्टेट्स को थोड़ा एक स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं क्योंकि वहां की हिस्ट्री अलग है या मे बी वहां का कल्चर बहुत यूनिक है तो इन सारी चीजों के बारे में भी आपको इस चैप्टर से सीखने को मिलेगा ठीक है तो ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन था अब हम लोग अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं विच इज वॉट इज फेडरलिज्म फेडरलिज्म होता क्या है वो समझते हैं वैसे तो तुम लोग

तो आपको यूएसएसआर के बारे में एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि एक टाइम ऐसा था जब यूएसएसआर पूरे वर्ल्ड में ही सुपर पावर्स में से एक था बहुत था बहुत पावरफुल यूएसएसआर पर फिर कुछ टाइम के के बाद 1989 अराउंड हम देखते हैं कि यूएसएसआर का जो पूरा रीजन है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है और सब लोग खुद की कंट्री बना लेते हैं मैं आप लोगों को एक बार मैप पर दिखा देती हूँ तो जैसे ये पूरा यूएसएसआर था कुछ टाइम के बाद क्या हुआ यूएसएसआर टूट गया सब ने अपनी अलग अलग कंट्री बना ली रशिया कजाकिस्तान तो तो ऐसे अलग-अलग कंट्रीज बन गई तो क्या कारण था यूएसएसआर के आ, क्या रीजन था जिसकी वजह से यूएसएसआर टूट गया वो समझते हैं तो यूएसएसआर में क्या था सेंट्रलाइजेशन बहुत ज्यादा था सेंट्रलाइजेशन बहुत ज्यादा था मतलब रशिया अपनी बहुत ज्यादा चलाता था अब अगर यूएसएसआर में इतनी सारी कंट्रीज हैं तो सबकी बात माननी चाहिए पर यूएसएसआर के साथ ऐसा था कि रशिया का डोमिनेंस बहुत ज्यादा था ठीक है तो एक रीजन जिसके वजह से यूएसएसआर टूटा ये तुम इन डिटेल ट्वेल्थ में पढ़ोगे ठीक है ट्वेल्थ के पहले चैप्टर में अभी के लिए इतना समझ लो कि एक रीजन जिसकी वजह से यूएसएसआर टूटा वो क्या था डोमिनेशन ऑफ रशिया तो रशिया अपना कल्चर अपना लैंग्वेज बाकी रीजन के ऊपर जबरदस्ती इंपोज करता था जिसके वजह से आगे जाकर लॉन्ग टर्म में यूएसएसआर यूनाइटेड नहीं रह पाता है ये दिक्कत हमने और भी कंट्रीज के साथ देखी है जैसे कि चेकोस्लोवाकिया यूगोस्लेविया पाकिस्तान के साथ भी ठीक है जैसे पाकिस्तान के साथ आप ऐसे समझो बांग्लादेश और पाकिस्तान पहले सेम ही कंट्री थे ठीक है फिर क्या होता है आ, ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था बांग्लादेश को वहां पर उर्दू बहुत ज्यादा फोर्स किया जा रहा था जबकि वहां के लोग बंगाली कल्चर को ज्यादा पसंद करते थे तो वो लोग पाकिस्तान से हटकर खुद की कंट्री बनाते हैं बांग्लादेश तो ऐसा हमने और भी एरियाज में देख रखा है आपको कैनेडा का भी एग्जाम्पल दे रखा है कि कैनेडा भी ऑलमोस्ट कैनेडा का भी ऑलमोस्ट ब्रेकअप होने ही वाला था कैनेडा में इंग्लिश स्पीकिंग लोग भी हैं फ्रेंच स्पीकिंग लोग भी हैं तो ऐसे अलग अलग रीजन ही वाले थे तो तो अगर हम इन सारे के बारे में सोचे तो कहीं ना कहीं हम सबको ऐसे लग रहा होगा कि यार इस मामले में इंडिया तो बहुत ही बढ़िया कर रहा है है ना मतलब कनाडा से देखो दो लैंग्वेजेस संभाले नहीं गए हमारे यहाँ तो कितने सारे लैंग्वेजेस हैं है ना पर फिर भी हम लोग यूनाइटेड चल रहे इतने सारे सालों से तो इन दिस एस्पेक्ट अपना भारत अपना इंडिया बहुत बढ़िया कर रहा है ठीक है तो क्या रीजन है जिसके वजह से इंडिया में यूनिटी बनी रही हो सकता है बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा हो कि बीबीआर चैप्टर का नाम ही फेडरलिज्म है तो शायद ऐसा होगा कि इंडिया में फेडरलिज्म है इसीलिए इंडिया यूनाइटेड है तो ऐसा भी कहना सही नहीं रहेगा क्योंकि अभी ऊपर हमने जितने भी कंट्रीज के नाम पढ़े ना वहां सब पर भी फेडरलिज्म ही चल रहा है ठीक है इंडिया में फेडरलिज्म अच्छी बात है पर अभी जो बाकी कंट्रीज के नाम तुमने सुने, वहां पर भी फेडरलिज्म ही चल रहा है ठीक है तो सिर्फ फेडरलिज्म ला देने से प्रॉब्लम सारी सॉल्व नहीं हो जाती फेडरलिज्म को सही तरीके से फॉलो भी करना पड़ेगा ठीक है चलो नेक्स्ट आपको क्या बता रहे कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया इज ए लैंड ऑफ कॉन्टिनेंटल प्रोपोर्शन एंड इमेंस डाइवर्सिटी अपना जो इंडिया काफी बड़ी कंट्री है और यहाँ पे डाइवर्सिटी भी बहुत ज्यादा है बहुत सारे लैंग्वेजेस हम लोग बोलते हैं अलग अलग रिलीजन्स को भी हम लोग इंडिया में फॉलो करते हैं ट्राइबल लोग भी हैं ठीक है इंडिया में ट्राइबल लोग भी हैं सब अलग अलग एरियाज में आप देखोगे की अलग कल्चर और अलग ट्रेडिशंस को फॉलो किया जाता है इसके बावजूद हम सब लोगों के बीच में कुछ चीजें कॉमन हैं ठीक है जैसे यहाँ पे अलग-अलग बच्चे हैं क्लास में आप लोग अलग-अलग स्टेट से देख रहे होंगे इस लेक्चर को है ना पर हम सबके बीच में कॉमन चीज क्या है हमारी हिस्ट्री कॉमन है है ना हो सकता है हम अलग-अलग स्टेट से हो अलग-अलग कल्चर हो पर एट द एंड ऑफ द डे हम लोग इंडियंस हैं हमारा सेम ज्योग्राफिकल रीजन है हमारा हमारा इतिहास भी सेम है ओके okay. तो इसीलिए जब हम इंडिया की बात करते हैं तो हम अक्सर एक टर्म यूज करते हैं ठीक है यूनिटी विथ डाइवर्सिटी या फिर यूनिटी इन डाइवर्सिटी तो अक्सर हम ये टर्म यूज करते हैं इंडिया के लिए यूनिटी विथ डाइवर्सिटी मतलब इंडिया में अलग अलग टाइप के लोग हैं पर इसके बावजूद हम लोग यूनाइटेड तरीके से रह रहे हैं ठीक है यूनिटी मतलब एकता ओके okay. चलो नेक्स्ट आपको कह रहे हैं कि टॉपिक का नाम था ना व्हाट इज फेडरलिज्म तो आपको समझा रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हम एक आपको एक छोटू सा सेंटेंस पकड़ा दें और समझा दे कि भाई ये फेडरलिज्म होता है ठीक है आप आपको समझाया जा रहा है कि हर एक कंट्री में फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करने का तरीका अलग हो सकता है जैसे फॉर एग्जांपल जर्मनी में फेडरलिज्म है इंडिया में फेडरलिज्म है यूएसए में भी फेडरलिज्म है ठीक है पर फिर भी आप देखोगे कि अमेरिका का जो फेडरलिज्म है वो इंडिया के फेडरलिज्म से काफी अलग है ठीक तो मतलब है, कि कोई बना कि भाई, ये है। तो फेडरलिज्म कंट्री में फेडरलिज्म अलग तरीके से प्रैक्टिस हो सकता है पर फिर भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हर फेडरल कंट्री में सेम होती हैं तो उन कुछ पॉइंट्स को अभी हम डिस्कस करते हैं। चलो पर हां ये पॉइंट स्टार्ट करने से पहले यहां तक क्लियर है हमारे बच्चों को इजी बताओ हां बताओ सबको इजी लग रहा है क्लियर है ब्लैकर्स वेरी गुड प्रीति सोशोलॉजी आर्यन फिलहाल तो मैं यहां पे नहीं पढ़ा रही अगर मुझे फिर से मौका मिलता है सोशोलॉजी पढ़ाने का तो हाँ मैं बिल्कुल पढ़ा दूंगी क्लियर है सेम विद विफी अभी मेरी ज्योग्राफी की क्लासेस नहीं हो रही हैं अगर फिर से मौका मिलता है ज्योग्राफी पढ़ाने का तो मैं पढ़ा दूंगी मतलब मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है उत्कर्ष तुम न्यू स्टूडेंट थोड़ी हो तुम तो वो पुराने उत्कर्ष हो हाय दक्ष तुम भी आ गए क्लास में चलो ठीक है तो एक मिनट या मैं थोड़ा सा पानी पी लू फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं यहां तक तो क्लियर है सबको ओके okay. <coughs> हाँ तो कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स जो हर एक फेडरल कंट्री में होते हैं वो समझते हैं सबसे पहले तो क्या है हर एक फेडरल कंट्री में आप देखोगे कि टू सेट्स ऑफ पॉलिटीज होते हैं मतलब गवर्नमेंट को एटलीस्ट हम टू सेट्स में बांट कर रखते हैं जैसे इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट है ठीक है स्टेट गवर्नमेंट है और लोकल गवर्नमेंट भी है तो हर एक फेडरल कंट्री में क्या होता है कम से कम दो सेट्स दो लेवल तो होते ही होते हैं ये पहली चीज है ठीक है नेक्स्ट आपको क्या बता रहे हैं इंडिया के बारे में आपको एग्जाम्पल दिया गया है कि इंडिया में ना सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप चलती है ठीक है हमारे यहाँ हम लोग ड्यूएल सिटीजनशिप को नहीं मानते हम तो सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप के ऊपर विश्वास रखते हैं ठीक है तो पहली चीज हर फेडरल कंट्री में क्या होता है कम से कम टू सेट्स ऑफ पॉलिटीज होते हैं ये आ गया समझ नेक्स्ट क्या है आपको बता रहे हैं कि फेडरल कंट्रीज में अक्सर लोगों की दो आइडेंटिटीज होती हैं दो आइडेंटिटीज कैसे अब मान लो यहाँ बच्चा जो यूपी से है ठीक है तो ये जो बच्चा है जो यूपी से है इस बच्चे की दो आइडेंटिटीज होंगी दो आइडेंटिटीज कैसे एक आइडेंटिटी तो ये कि हाँ मैं यूपी को बिलोंग करता हूं है ना और एक और आईडेंटिटी वो आइडेंटिटी क्या है कि यार मैं इंडिया को बिलोंग करता हूं ठीक है तो अक्सर क्या होता है फेडरल कंट्री में लोगों के दो आइडेंटिटीज होते हैं दो लॉयल्टीज होते हैं ठीक है ये याद रखना नेक्स्ट क्या आपको बता रहे हैं और क्या होता है फेडरलिज्म जहां पर चल रहा होता है अक्सर उन कंट्रीज के संविधान में क्लियरली कि कौन सी गवर्नमेंट क्या काम करेगी ठीक है जैसे हमारे इंडिया में फेडरलिज्म है तो हमारे संविधान में क्लियरली बता रखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या संभालेगी और स्टेट गवर्नमेंट क्या संभालेगी ठीक है हर एक चीज को क्लियरली संविधान में बता दिया जाता है नेक्स्ट आपको क्या बता रहे हैं कि जिन भी कंट्रीज में फेडरलिज्म होता है वहां पर मान लो कल को कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए ठीक है जैसे इंडिया में मान लो कल को अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आपस में लड़ने लगती है तो क्या होगा तो जुडिशियरी उस डिस्प्यूट को सॉल्व करेगी ठीक है तो हर एक फेडरलिज्म में क्या होता है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आपस में लड़ने लग जाए तो जुडिशियरी सॉल्व करती है नेक्स्ट आपको समझाया जा रहा है कि फेडरलिज्म का जो पूरा प्रिंसिपल है ना वो ट्रस्ट और कॉपोरेशन के ऊपर बेस्ड है ठीक है तो फेडरलिज्म में क्या होता है सेंट्रल गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट है इन्हें आपस में एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करना होगा कोऑपरेट करना होगा साथ में मिलजुल कर काम करना होगा म्यूचुअल रिस्पेक्ट दिखाना होगा आपस में एक दूसरे की इज्जत करनी होगी तो अगर ये सब होगा तभी फेडरलिज्म स्मूथ तरीके से काम कर पाएगा ठीक है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लोग आपस में विश्वास नहीं करते लड़ते झगड़ते रहते तो उस देश में फेडरलिज्म स्मूथ तरीके से काम नहीं कर पाएगा एंड पॉलिटिकल पार्टीज किस तरीके से बिहेव कर रही हैं कहां पे कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है इससे भी फेडरलिज्म के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है ठीक है चलो नेक्स्ट आपको समझाया जा रहा है नी सिंगलिट और स्टेट और लिंग्विस्टिक ग्रुप और आइडियोलॉजी मतलब अगर कल को ऐसा हो जाए कि एक स्टेट के लोग या कोई एक भाषा बोलने वाले लोग इंडिया में बाकी सारे लोगों को डोमिनेट करने लगे नीचा दिखाने लगे तो ऐसे में क्या होगा कंट्री के यूनिटी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा ऐसा भी हो सकता है कि देश बट जाए यूनिटी खराब हो जाए तो इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इंडिया के डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करें और स्मूथ तरीके से फेडरलिज्म को चलाने की कोशिश करें यहां तक भी क्लियर है एक और टॉपिक फिनिश हो गया अभी नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एक मिनट मैं कमेंट्स लगा लू तुम लोगों के इजी पहले चैप्टर खत्म कर लो फिर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कल करा दूंगी ठीक है आज मेरे साथ ये चैप्टर खत्म करो कल सात बजे इसी चैप्टर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगी हाँ हाँ लव कुश आप हिंदी मीडियम क्यों मैं हिंदी में ही तो बोल रही हूं बेटा ठीक है खुशी मिस कर रहे थे मैं भी तुम लोगों को बहुत मिस कर रही थी हाँ चलो ओके okay. यहां तक सबको क्लियर है वेरी गुड क्या तो अमेजिंग बच्चे हमारे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है फेडरलिज्म इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे संविधान में फेडरलिज्म के बारे में क्या लिखा गया वो समझते हैं तो आपको बताया जा रहा है कि आजादी मिलने से पहले ही हमारे लीडर्स को ये अंदाजा था कि इंडिया जैसी कंट्री में फेडरलिज्म का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है तो ऑलमोस्ट सारे लीडर्स इस चीज को मानते थे कि हाँ फेडरलिज्म इंपॉर्टेंट है पर ये लोग इस चीज को लेकर डिस्कशन कर रहे थे कि किस हद तक हम स्टेट गवर्नमेंट को पावर दें ठीक है हम लोग पावर्स को बांट देंगे इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है पर पावर को किस हद तक डिवाइड किया जाए इस चीज को लेकर ये लोग अक्सर आपस में बात करते थे ठीक है तो नेक्स्ट क्या हुआ बीच में आपको पता है पार्टीशन भी हुआ पाकिस्तान भी बन गया है ना तो ऐसे में हमारे जो लीडर्स थे स्पेशली जो leaders, जो लीडर्स संविधान बना रहे थे आ, उनको कहीं ना कहीं ये लगने लगा कि फेडरलिज्म में हमें अपने सेंटर को थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए ठीक है सेंट्रल गवर्नमेंट को थोड़ी ज्यादा पावर देनी चाहिए शायद तभी इंडिया और स्मूथ तरीके से फंक्शन कर पाएगा ठीक है नेक्स्ट क्या कह रहे हैं हमारे संविधान में भी फेडरलिज्म का सीधा सा प्रिंसिपल है हम लोग क्या मानते हैं कि स्टेट और सेंटर के बीच का जो रिलेशन है वो कॉपरेशन के ऊपर बेस्ड होना चाहिए मतलब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को साथ में मिलजुल कर काम करना होगा कॉपरेटिव तरीके से काम करना होगा अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज है अगेन तुम लोग क्लास टेंथ में भी पढ़कर आए हो ये पर थ में भी आपको ये बताया जा रहा है कि अगर आप इंडिया के संविधान को देखोगे तो ये जो शब्द है फेडरेशन ये शब्द हमारे संविधान में कहीं लिखा ही नहीं हुआ है ठीक है मतलब एग्जैक्ट वर्ड फेडरेशन कहीं पर यूज नहीं किया जा रहा पर हाँ हमारे संविधान में फेडरलिज्म से रिलेटेड प्रिंसिपल्स में ओके चलो नेक्स्ट यहाँ पे आर्टिकल वन आपको बता रखा है

चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिविजन ऑफ पावर डिविजन ऑफ पावर में हम क्या समझेंगे कि हमारे संविधान में हम लोगों ने पावर को कैसे बांट रखा ठीक है तो एक तो देखो हमारे कंट्री में क्या है यूनियन गवर्नमेंट है यूनियन गवर्नमेंट को ही सेंट्रल गवर्नमेंट कहा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे इंडिया की गवर्नमेंट है ठीक है उसके अलावा हमारे इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट है हर एक स्टेट का अपना गवर्नमेंट है ठीक है जैसे अगर आप बिहार से हो तो आपको पता होगा बिहार गवर्नमेंट है अगर आप केरला से हो तो आपको पता होगा कि केरला गवर्नमेंट है अगर आप गुजरात से हो तो आपको पता होगा गुजरात गवर्नमेंट है है ना तो हर एक स्टेट का अपना गवर्नमेंट होता है इसके अलावा लोकल गवर्नमेंट भी है लोकल गवर्नमेंट के बारे में इस चैप्टर में हम बात नहीं करेंगे पर आपके बुक में एक अलग चैप्टर है जिसमें लोकल गवर्नमेंट के बारे में आपको सब कुछ बता दिया जाएगा तो टेंशन मत लो ठीक है अभी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बारे में सुन लो नेक्स्ट आपको बता रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स और स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स प्रॉपर तरीके से संविधान में स्पेसिफाई कर दी गई है और अगर कल को सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आपस में लड़ने लग जाए तो जुडिशरी उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करके देगी ठीक है चलो नेक्स्ट आपको क्या कह रहे हैं अभी हम लिस्ट देखेंगे तो हमारे संविधान में क्या है एक लिस्ट है जिसको हम यूनियन लिस्ट कहते हैं ठीक है, एक लिस्ट है जिसको हम कहते हैं. तो यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स लिखे हुए है, उन हैं लिखे हुए है, उन सब्जेक्ट्स के ऊपर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है और स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं उन सब्जेक्ट्स के ऊपर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती है अगर आप हमारे संविधान को देखोगे तो एक तो मैंने आपको बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट को हमने थोड़ा पावरफुल बना रखा है उसके अलावा आप एक और चीज नोट नोटिस करोगे कि जो स्टेट्स हैं हमने उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत ज्यादा दे रखी है हमने उन्हें काम तो बहुत ज्यादा दे रखा है पर उनके पास रेवेन्यू के सोर्सेज नहीं है ठीक है मतलब अगर उन्हें रेवेन्यू चाहिए पैसा चाहिए तो वो काफी हद तक सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें पैसा देगी फिर वो अपने काम को अच्छे तरीके से कर पाएंगे तो स्टेट्स के साथ क्या है स्टेट्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी भर भर के दे दी पर उनके पास रेवेन्यू के सोर्सेस ज्यादा नहीं है नेक्स्ट ये आपका डायग्राम है जो बुक में दे रखा है अब आई एम नॉट श्योर कि आप लोगों को दिख रहा है क्या मी चेक हाँ मतलब दिख तो रहा है बढ़िया ठीक है पूरा प्रॉपरली अगर नहीं भी दिख रहा है किसी को तो ये तुम्हारे एनसीआर में भी है डायग्राम ऐसे पैनिक करने की जरूरत नहीं है ठीक है जो कुछ में इससे रिलेटेड कानून स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी एक और होता है कंकरेंट लिस्ट कंकरेंट लिस्ट में जो कुछ में इससे रिलेटेड कानून सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है ठीक है तो अक्सर यूनियन लिस्ट में ऐसी चीजें होती हैं जो पूरे इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे कि डिफेंस एटॉमिक एनर्जी फॉरेन अफेयर्स ये सब एंड ये लिस्ट एक बार सब लोग नजर मार लेना इस लिस्ट के ऊपर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाता है एमसीक्यूज आ जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट फॉल्स अंडर यूनियन लिस्ट और आपको यहां से तीन ऑप्शन दे देंगे यहां से एक ऑप्शन दे देंगे तो पता होना चाहिए ठीक है नेक्स्ट रेजिट्यूरी पावर्स में आ जाओ मुझे लग रहा है पावर्स तुम्हें पूरा दिख नहीं रहा होगा थोड़ा सा कट रहा नीचे से है ना मैं तुम्हें बता देती हूँ तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में हमने किसी लिस्ट में नहीं लिखा जैसे फॉर एग्जाम्पल साइबर लॉस ठीक है तो जब संविधान बन रहा था तब साइबर लॉस तो कोई इशू था ही नहीं तो साइबर लॉस के बारे में हमने किसी भी लिस्ट में नहीं लिखा तो ऐसी चीजें जो हमने कहीं पर भी नहीं लिखी इनके ऊपर कानून बनाने का हक किसका है यूनियन गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का है ठीक है तो ये एक एग्जाम्पल है कि अच्छा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हल्की सी ज्यादा पावर है एज कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट ठीक है चलो अब इसी चीज के बारे में थोड़ा इन डिटेल पढ़ते हैं तो तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक यही है फेडरलिज्म विद अ अट्रॉग सेंट्रल गवर्नमेंट मैंने आपको बताया ना बार बार कि इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से थोड़ी ज्यादा पावरफुल है तो उसी चीज को थोड़ा इन डिटेल पढ़ते हैं कि आ, ऐसा क्या है हमारे संविधान में जिसके थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ी ज्यादा पावरफुल है ठीक है तो जब संविधान हमारा बन रहा था तो हमारे लीडर्स को ऐसा लगा कि इंडिया में इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है अगर हम इंडिया को यूनाइटेड रखना चाहते हैं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में थोड़ी ज्यादा पावर हो उस टाइम पर इंडिया में प्रिंसली स्टेट्स भी थे ठीक है प्रिंसली स्टेट्स मतलब कुछ ऐसे एरियाज थे जहां पे राजा रानी संभाल रहे थे उस इलाके को तो जब आजादी मिलती है तो काफी सारे प्रिंसली स्टेट्स को हम मना कर इंडिया का पार्ट बनाते हैं ठीक है तो नए नए इंडिया यूनियन को आकर ज्वाइन करते हैं तो ऐसे में हमारे लीडर्स को लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को थोड़ा ज्यादा पावरफुल बनाना होगा तभी इंडिया लॉन्ग टर्म में एकता के साथ यूनिटी के साथ काम कर पाएगी ठीक है चलो नेक्स्ट आपको क्या बता रहे हैं कि इंडिया में ना कुछ कुछ सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी थी तो हमारे लीडर्स को लगा कि अगर हम इन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अगर हम इंडिया के सोशल प्रॉब्लम्स को हटाना चाहते हैं जैसे कि गरीबी इलिटरेसी इन सारे प्रॉब्लम्स को हटाना चाहते हैं तो भी एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट होनी चाहिए जो अच्छे से प्लानिंग करे तभी इंडिया में ये सारी प्रॉब्लम हट पाएगी इसके चलते हम इंडिया के सेंट्रल गवर्नमेंट को थोड़ा सा पावरफुल बना देते हैं अब किन मामलों में किस तरीके से इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ी सी ज्यादा पावरफुल है स्टेट गवर्नमेंट के कंपैरिजन में वो समझ लेते हैं ठीक है तो पॉइंट वन क्या है हम क्यों कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि स्टेट को बनाने का काम ही सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है ठीक है तो स्टेट का एग्जिस्टेंस सेंट्रल गवर्नमेंट से होता है तो अगर कल को हमें कोई नया स्टेट बनाना हो दो स्टेट को जोड़कर कोई नया स्टेट बनाना हो तो ये सारी चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट संभालती है तो स्टेट का एग्जिस्टेंस ही सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है इसीलिए हम कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा स्ट्रोंग है सेकेंड पॉइंट क्या है अगर कल को इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाए ठीक है तो क्या होता है इमरजेंसी के टाइम पर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ जाते हैं सारे पावर्स ठीक है तो ये भी एक रीजन है जिसके वजह से हम कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है नेक्स्ट ये वाला पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि स्टेट गवर्नमेंट को हमने काम तो बहुत ज्यादा दे रखा है रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत ज्यादा दे रखी है पर उनके पास रेवेन्यू का ज्यादा सोर्स नहीं है रेवेन्यू के सारे सोर्सेस को सेंट्रल गवर्नमेंट संभालती है ठीक है तो रेवेन्यू के लिए स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर है ठीक है नेक्स्ट आपको बता रहे हैं कि जब हमें आजादी मिली ना तो इंडिया ने सोचा कि अब डेवलपमेंट करने के लिए हमें प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी उसी के अंदर हमारी गवर्नमेंट क्या करती है प्लानिंग कमीशन बनाती है प्लानिंग कमीशन भी यूनियन गवर्नमेंट अपॉइंट करती है ठीक है तो प्लानिंग वगैरह के मामले में रिसोर्सेस के मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ी ज्यादा पावरफुल है ठीक है यहां तक आया सबको समझ नेक्स्ट क्या कह रहे हैं यूनियन गवर्नमेंट यूजेस इट्स डिस्क्रिशन टू गिव ग्रांट्स एंड लोन्स टू स्टेट्स सेम चीज आपको बताया जा रहा है कि रिसोर्सेस के मामले में स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर है सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से अपने मर्जी से स्टेट को लोन देती है या पैसा देती है ठीक है तो अक्सर स्टेट की गवर्नमेंट ये भी कहती है कि यार हमारे साथ तो भेदभाव हो रहा है डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ठीक है आप इसे इस तरीके से समझो मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई एक पार्टी है ठीक है और उस पार्टी ने देखा कि किसी और स्टेट में फॉर एग्जाम्पल मान लो हरियाणा में देखा कि हरियाणा में तो यार कोई और पार्टी है ठीक है रूलिंग uh, पार्टी नहीं है ये तो हमारी ऑपोजिशन पार्टी है तो कभी कभी क्या होता है रूलिंग पार्टी उस स्टेट को ज़्यादा पैसा नहीं देती ग्रांट्स नहीं देती लोन्स नहीं देती जस्ट बिकॉज वहां पे ऑपोजिशन पार्टी होती है तो स्टेट्स बोलती हैं ऐसा कि यार हमारे साथ भेदभाव हो रहा है क्योंकि हम लोग ऑपोजिशन पार्टी के लोग हैं ठीक है थीके? तो ऐसे मैटर्स में भी दिखता है कि अच्छा सेंट्रल गवर्नमेंट को हमने ज्यादा पावरफुल बना रखा है ठीक है और गवर्नर ठीक है हर एक स्टेट में गवर्नर की पोजिशन होती है ठीक है और अभी हम गवर्नर के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल सा पोजिशन है गवर्नर का अभी हम पढ़ेंगे वो ठीक है तो जो गवर्नर है गवर्नर हैज द पावर टू रिजर्व अ बिल पास बाय स्टेट लेजिस्लेचर अगर कोई स्टेट कोई बिल पास करने की कोशिश कर रहा है तो गवर्नर के पास ये पावर है कि उस बिल को रिजर्व कर दे ठीक है और गवर्नर जो होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट होते हैं ठीक है पर वो स्टेट में काम कर रहे होते हैं तो गवर्नर का होना गवर्नर की पोजीशन की वजह से भी हम ऐसा कह सकते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ज्यादा पावरफुल है नेक्स्ट क्या है सेंट्रल uh, गवर्नमेंट अगर चाहे तो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट के ऊपर भी कानून बना सकती है अभी हमने पढ़ा ना सेंट्रल यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट कंकरेंट लिस्ट तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट के ऊपर भी कानून बना सकती है अगर राज्यसभा बोल दे कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है बना लो ठीक है तो ऐसे में भी सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी ज्यादा पावरफुल है ठीक है नेक्स्ट हमारे संविधान में भी बहुत क्लियरली ये दिखता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव पावर स्टेट गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव पावर से काफी ज्यादा है ठीक है नेक्स्ट ऑल इंडिया अगर सर्विसेज़ की हम बात करें जैसे फॉर एग्जांपल आईएएस ऑफिसर्स की अगर हम बात करें तो जो आईएएस ऑफिसर होते हैं वो मान लो एक डिस्ट्रिक्ट को संभाल रहे हैं एक स्टेट में काम कर रहे हैं आई आईएएस ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं तो वहां की स्टेट गवर्नमेंट उस आई ऑफिसर के खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन वगैरह नहीं ले सकती तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग ही स्टेट गवर्नमेंट को संभाल रहे हैं तो यहां से भी इस एग्जाम्पल से भी हमें दिखता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल है नेक्स्ट आपको क्या बताया जा रहा है कि हमारे संविधान में आर्टिकल 33 है और आर्टिकल 34 है इन दो आर्टिकल्स के अंडर क्या बोला जाता है दे ऑथराइज द पार्लियामेंट टू प्रोटेक्ट पर्सन इन सर्विस ऑफ यूनियन और स्टेट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्शन टेकन बाय देम ड्यूरिंग लॉ टू मेंटेन और रिस्टोर ऑर्डर ठीक है मान लो कोई एक एरिया है वहां पर मार्शल लॉ लग गया जब मार्शल लॉ लग जाता है तो उस टाइम पे मिलिट्री थोड़ी ज्यादा पावरफुल हो जाती है और नॉर्मल लॉज वहां पे थोड़े हट जाते हैं तो मार्शल लॉ के टाइम पर अगर कोई ऐसा uh, पर्सन जो यूनियन या स्टेट के सर्विस में काम कर रहा है अगर उस पर्सन ने कोई एक्शन लिया है तो उस पर्सन को पार्लियामेंट प्रोटेक्शन देती है 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 ठीक तो ये कुछ 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 चीजें हैं हैं पॉइंट्स जहां जिन्हें देखकर हमें लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में थोड़ी सी ज्यादा पावर है एज कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट थोड़ी सी नहीं मतलब काफी ज्यादा ही है पर हाँ ठीक है तो यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि बताओ हाउ इज सेंट्रल गवर्नमेंट मोर पावरफुल देन स्टेट गवर्नमेंट तो तुम्हें पता होना चाहिए ठीक है कूल cool है सबको इजी पीजी लेमन क्विजी आगे बढ़े यस, yes, टीना क्लियर है हम्म, क्लियर ब्लैकर्स लवकुश, वेरी गुड अभिषेक क्लियर है ओके सो प्राउड ऑफ यू बहुत अमेजिंग बच्चे हमारे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंफ्लिक्ट इंडिया फेडरल सिस्टम हमारे फेडरल सिस्टम में आ, कुछ कुछ दिक्कतें हैं उन दिक्कतों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं तो अभी ये पूरी कहानी सुनने के बाद आपको ये तो समझ आया होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ज्यादा पावर है और स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में कम पावर है तो अक्सर क्या होता है स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से कहती रहती है कि यार हमारी पावर बढ़ा दो ठीक है और इसके वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कुछ ना कुछ टेंशन डिस्प्यूट ये सब चलते रहते हैं ठीक है तो यही आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताया जाएगा सेंटर स्टेट रिलेशन मतलब हमारी इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच का रिलेशन कैसा है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में किन इश्यूज़ को लेकर लड़ाई झगड़े होते हैं अगर हम 1950s या अर्ली नाइनटीन की बात करें तो फेडरलिज्म का जो फाउंडेशन था फेडरलिज्म का जो बेस था वो जवाहरलाल नेहरू जी ने सेट कर दिया था ठीक है और उस टाइम पर क्या होता होता था तुम लोग ट्वेल्थ में पढ़ोगे इन डिटेल वैसे तो पर उस टाइम पर क्या था हर जगह कांग्रेस ही होती थी ज्यादातर एरियाज में कांग्रेस ही होती थी तो सेंटर में भी कांग्रेस स्टेट में भी कांग्रेस तो ये लोग साथ में मिलजुल कर काम करते थे सेम पार्टी के लोग थे तो बढ़िया चलता था फिर कुछ टाइम के बाद 19 मिडिल ऑफ नाइनटीन के बाद कांग्रेस का पावर थोड़ा कम होने लग जाता है ठीक है तब ऐसे में थोड़े टेंशन बढ़ने लग जाते तब धीरे-धीरे ऐसे होने लग जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में तो कांग्रेस है पर कुछ-कुछ स्टेट्स -कुछ में अलग-अलग पार्टीज -अलग आ जाती हैं तो ये पार्टीज और सेंट्रल गवर्नमेंट की आपस में बनती नहीं थी ठीक है तो एक ये दिक्कत चल रही थी फिर क्या होता है थोड़े टाइम के बाद तो क्या होता है ये भी दिखने लग जाता है कि कांग्रेस बहुत कंफर्टेबल नहीं रहती थी अगर किसी और स्टेट में कोई और पार्टी होती थी तो ठीक है अगर दूसरे स्टेट में कांग्रेस पार्टी ही रहती थी तो कांग्रेस एकदम खुश रहती थी पर अगर दूसरे स्टेट में कांग्रेस के अलावा कोई और पार्टी रहती थी तो कांग्रेस वाज नॉट कंफर्टेबल ऐसा भी हो रखा है कि कांग्रेस ने उस पार्टी को जबरदस्ती हटाने की कोशिश करी हो अगेन ट्वेल्थ में तुम्हें इन डिटेल समझाया जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्या हुआ नाइनटीन uh, में हम देखते हैं कि धीरे धीरे कांग्रेस का डोमिनेंस और कम होने लग जाता है तो जब कांग्रेस का डोमिनेशन कम होता है अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग पार्टीज आती हैं, तो वो स्टेट्स धीरे धीरे बोलना चालू करते हैं कि हमें और पावर चाहिए ठीक है तो अलग अलग स्टेट्स की क्या क्या डिमांड्स थी उसके बारे में आप इस टॉपिक में पढ़ोगे डिमांड फॉर ऑटोनॉमी ऑटोनॉमी मतलब और पावर तो ऑटोनॉमी का मतलब अलग अलग स्टेट के लिए अलग हो सकता है अभी आपको वही बताया जाएगा कि अलग अलग स्टेट्स क्या डिमांड करती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से वो समझते हैं ठीक है तो कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो कहती हैं कि ये जो डिविजन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है इंडिया में वो ठीक नहीं है आप हमारे स्टेट्स को थोड़ा और पावर दो ठीक है तो कुछ स्टेट्स जैसे कि तमिलनाडु पंजाब वेस्ट बंगाल यहाँ पर ये लोग ऐसा बोलते हैं कि हमारे स्टेट की पावर को और बढ़ाओ तो तमिलनाडु में डीएम के पार्टी है पंजाब में अकाली दल वेस्ट बंगाल में सीपीआईएम। ये सारी कुछ पार्टीज हैं जिन्होंने अलग अलग टाइम पर ये मेंशन कर रखा है कि ये डिवीज़न ऑफ पावर हमें थोड़ा ठीक नहीं लग रहा आ, स्टेट गवर्नमेंट के पावर्स को बढ़ा दो ठीक है नेक्स्ट ऐसे भी स्टेट्स हैं जिन्होंने ये बोल रखा है कि हमारे पास रेवेन्यू का ज्यादा सोर्स नहीं है ये हमें पसंद नहीं है हमारे रेवेन्यू के सोर्सेस को बढ़ाओ जैसे वेस्ट बंगाल से ये डिमांड आ रखी है 1997 1977, 1977 के अराउंड ही ये डिमांड वेस्ट बंगाल से आ रखी है तमिलनाडु ने भी ये बोला है पंजाब ने भी ये बोल रखा है ठीक है नेक्स्ट क्या है कुछ स्टेट्स क्या बोलती हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में स्टेट गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर नहीं है जो कि गलत है तो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स को बढ़ा दो नेक्स्ट हमने ये भी देखा है कि कल्चर और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज भी अलग अलग स्टेट्स में होते हैं ठीक है जैसे फॉर एग्जाम्पल तमिलनाडु ने बार बार ये बोला है कि उन्हें हिंदी लैंग्वेज का डोमिनेशन अच्छा नहीं लगता ठीक है ये आप लोगों ने टेंथ में पढ़ा अगर आपको याद हो तो टेंथ में एक आ, ग्राफ भी था जिसमें आपको दिखाया जाता है कि हिंदी बोलने वाले लोग 50 परसेंट भी नहीं है इंडिया में ठीक है थोड़ा सा अगर तुम्हें याद आ रहा हो तो टेंथ में ऐसा एक मतलब ग्राफ वगैरह भी था ठीक है तो ऐसे कुछ स्टेट्स हैं जिनका ये मानना है कि हिंदी स्पीकिंग लोगों का आ, हिंदी लैंग्वेज का डोमिनेशन बहुत ज्यादा है ठीक है नाइनटीन के अराउंड हिंदी लैंग्वेज के अगेंस्ट बहुत बहुत सारे एजिटेशन भी हुए थे उस टाइम पर हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाने की बात करी जा रही थी तो उस टाइम पर लैंग्वेज रिलेटेड भी बहुत एडिटेशन होते थे एक मैं तुम लोगों को दे होमवर्क दे रही हूं ठीक है तो जब ये सेशन खत्म हो जाएगा तब नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि इंडिया का नेशनल लैंग्वेज क्या है ठीक है तो हाँ सोचकर मुझे बताना नीचे कमेंट्स में हम फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे आ, जब सेशन खत्म होगा तब देना कमेंट्स में आंसर अभी तो मैं नहीं देख पाऊंगी मैं क्लास के बाद देखूंगी और जो भी बच्चा पास्टर्स आंसर देगा उस बच्चे के लिए नेक्स्ट क्लास में नेक्स प्रेसिडेंट के रोल के, के बारे में हम लोग समझते हैं तो गवर्नर के बारे में तो थोड़ा थोड़ा हमने ही लिया है ना तो गवर्नर की जो पोजीशन होती है अक्सर गवर्नर से रिलेटेड कोई ना कोई कंट्रोवर्सी तो चल ही रही होती है गवर्नर इलेक्टेड ऑफिस होल्डर नहीं होते ठीक है? पर्सन नहीं होते अक्सर क्या होता है? गवर्नर्स ऐसे लोग होते हैं जो रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स होते हैं या रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स होते हैं या पॉलिटिशियंस रह चुके होते हैं अक्सर ऐसे लोग बाद में गवर्नर्स भी बन जाते हैं ठीक है और गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक है तो जब भी गवर्नर जब भी किसी स्टेट में गवर्नर कुछ बोलते हैं ना तो स्टेट गवर्नमेंट के लोग बोलते हैं कि गवर्नर तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट की साइड से बोल रहे हैं वो हमारी साइड नहीं लेते ठीक है तो इस नजरिए से देखा जाता है गवर्नर को कि गवर्नर तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट है ठीक है नेक्स्ट आपको क्या बताया जा रहा है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में अलग अलग पार्टीज होती है ना उस टाइम पे तो उस स्टेट के गवर्नर की जो पोजीशन होती है वो और कंट्रोवर्शियल हो जाती है है ना अगर दोनों जगह अलग अलग पार्टीज होती हैं तो बहुत कंफ्लिक्ट चलते रहते हैं ठीक है नेक्स्ट कुछ टाइम में क्या होता है हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सरकारिया कमीशन को लाती है ठीक है और सरकारिया कमीशन नाइनटीन में बनती है और फिर नाइनटीन में ये लोग अपना रिपोर्ट सबमिट करते हैं ठीक है तो सरकारिया कमीशन में क्या था ये लोग सेंटर स्टेट रिलेशन को ही समझने की कोशिश कर रहे थे तो सरकारिया कमीशन ने ये बोला था कि जब हम गवर्नर को अपॉइंट करते हैं तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम अपना बायसनेस ना दिखाएं हम पॉलिटिकल बायसनेस के चक्कर में गवर्नर को अपॉइंट ना करें ऐसा सरकारिया कमीशन ने अपने रिपोर्ट में भी बोला था ठीक है नेक्स्ट गवर्नर uh, का जो रोल है वो एक और रीजन की वजह से बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल है ठीक है वो समझने के लिए हमें आर्टिकल 356 के बारे में बात करनी होगी आर्टिकल 356 में क्या क्या मेंशन किया जाता है प्रेसिडेंट्स रूल इन एनी स्टेट ठीक है तो अगर कोई स्टेट है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि उस स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो संविधान को फॉलो नहीं कर रही वो अच्छे तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल uh, तरीके से अपना एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर रही तो ऐसे में वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट उस स्टेट को संभालने लग जाती है ये आर्टिकल 356 में बोला जाता है इसी चीज को हम लोग प्रेजिडेंट रूल भी कहते हैं प्रेजिडेंट रूल को थ्री ईयर्स तक एक्सटेंड किया जा सकता है एंड गवर्नर के हाथ में ये पावर भी होती है कि गवर्नर ये रेकमेंड करें कि स्टेट गवर्नमेंट को हटा देते हैं डिसमिस कर देते हैं ठीक है थीके? तो इसीलिए गवर्नर का पोजीशन इतना कंट्रोवर्शियल होता है एंड हमने ऐसा देख भी रखा है कि स्टेट uh, गवर्नमेंट को कभी कभी डिसमिस कर दिया जाता है जबकि वहां पे मेजॉरिटी होती है लेजिस्लेचर में ठीक है जैसा कि केरला में हो रखा है 1959 में ये सब आपको इन डिटेल अगेन ट्वेल्थ में पढ़ाया जाएगा ठीक है चलो तो हाँ तो प्रेसिडेंट रूल के वजह से भी गवर्नर का जो रोल है वो बहुत कंट्रोवर्शियल है 1967 तक तो आर्टिकल 356 को ज्यादा यूज नहीं किया जाता था 1967 के बाद हमने देखा कि ऐसे जितने स्टेट्स थे जहां कांग्रेस नहीं थी वहां पे प्रेसिडेंट रूल को लगा दिया जाता था ठीक है तो ऐसा भी हो रखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पावर को कभी कभी मिसयूज़ करा हो जहां पर उनकी पार्टी ना हो जहां पे ओपोजिशन पार्टी हो ठीक है जैसे फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या करा था एक बार आंध्र प्रदेश की इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा दिया था जम्मू कश्मीर में भी हमने नाइनटीन में ये सारी चीजें देख रखी है ओके चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिमांड फॉर न्यू स्टेट्स न्यू स्टेट्स के डिमांड के बारे में हम लोग थोड़ा इन डिटेल इस टॉपिक में समझेंगे ठीक है तो टाइम के साथ साथ हमने देखा कि लोग भाषा के आधार पर स्टेट बनाने की डिमांड करने लग जाते हैं कि लैंग्वेज के बेसिस पर हमें स्टेट चाहिए स्टार्टिंग स्टार्टिंग में गवर्नमेंट को लगता था कि ऐसा करना सही नहीं रहेगा फिर बाद में हमारी गवर्नमेंट सोचती है कि चलो स्टेट बनाना स्टार्ट कर देते हैं तो डिसंबर नाइनटीन में स्टेट रिओर्गेनाइजेशन कमीशन को सेटअप किया जाता है एंड स्टेट रिओर्गेनाइजेशन कमीशन बाद में ये भी बोल देती है कि हाँ भाषा के आधार पर स्टेट बना लो कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद धीरे धीरे लैंग्वेज के आधार पर स्टेट बनने लगते हैं जैसे गुजरात और महाराष्ट्र 1960 में बने थे ये मैंने अंडरलाइन क्यों कर रखा है यहाँ से एमसीक्यू आ जाएगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पंजाब और हरियाणा को अलग कब किया गया था 1966 में। में नॉर्थ ईस्टर्न रीजन भी हमने बहुत करा था। ठीक है कुछ न्यू स्टेट्स भी बने थे मणिपुर त्रिपुरा मेघालय मिजोरम अरुणाचल प्रदेश इन सबको हमने क्रिएट करा था ठीक है चलो नेक्स्ट आपको क्या कह रहे हैं कि कभी कभी ऐसा भी होता भाषा के आधार पर तो स्टेट्स बनते ही हैं कभी कभी एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के वजह से भी नए स्टेट्स बनते हैं कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लो ये एक पूरा स्टेट है और इस स्टेट में ये वाला जो रीजन है यहाँ पे डेवलपमेंट ज्यादा हो नहीं रहा तो यहाँ के लोग बोलने लग जाएंगे कि हमें तो खुद का स्टेट दे दो अलग स्टेट दे दो ठीक है तो हमेशा लैंग्वेज ही रीजन नहीं होता उसके अलावा भी अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की वजह से भी अलग अलग स्टेट्स बनते हैं ठीक है जैसे कि मध्य प्रदेश यूपी और बिहार इनको डिवाइड करके क्या बनाया जाता है मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ यूपी से उत्तराखंड बिहार से झारखंड अगेन इंपॉर्टेंट है ये आपको पता होना चाहिए ठीक है नेक्स्ट 2014 में क्या था आंध्र प्रदेश को डिवाइड कर कर हमने तेलंगाना बनाया एंड आज के टाइम पर भी इट इज वेरी कॉमन कि अलग अलग स्टेट्स ये बोलें कि हमें तो अलग स्टेट चाहिए ठीक है हमने देखा भी है जैसे महाराष्ट्र में भी विदर्भा रीजन में बोला जाता है कि हमें सेपरेट स्टेट चाहिए तो आज के टाइम पर भी न्यू स्टेट की डिमांड बहुत कॉमन है ठीक है यहां तक कूल है सबको एक बार मैं जल्दी से कमेंट्स लगा लू <coughs> आठ बजे ट्वेल्थ की क्लास है आ, पर हाँ तुम्हारा टॉपिक खत्म ही होने वाला है कूल है इजी तीना क्लियर है वेरी गुड चलो सबको क्लियर है खुशी ब्लैकर्स अभिषेक अनिश वेरी गुड बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है इंटर स्टेट कंफ्लिक्ट मतलब कभी कभी क्या होता है स्टेट्स आपस में लड़ते हैं दो स्टेट्स आपस में लड़ते हैं क्यों लड़ते हैं वो समझते हैं तो एक रीजन तो होता है कि ये लोग बॉर्डर के वजह से लड़ रहे होते हैं बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर लड़ रहे होते हैं नॉर्मली क्या होता है भाषा के आधार पर स्टेट्स को डिवाइड कर दिया जाता है तो मान लो ये दो स्टेट्स हैं पर ऐसा थोड़ी होगा कि तुम एकदम बॉर्डर पे आ जाओगे तो यहाँ वाली भाषा अचानक से खत्म हो जाएगी धीरे 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 भाषा यहाँ पे खत्म होने लगेगी ना जैसे जैसे हम यहाँ पर जाएंगे तो क्या होता है इस वजह से एग्जैक्ट बॉर्डर को लेकर बहुत कंफ्लिक्ट होते हैं स्टेट के बीच में जैसे कि हमने देखा है महाराष्ट्र और कर्नाटका बेलगाम सिटी को लेकर लड़ते रहते हैं कि ये तो मेरे स्टेट में आता है ठीक है मणिपुर और नागालैंड के बीच में भी ऐसे बॉर्डर डिस्प्यूट चलते रहते हैं नेक्स्ट हरियाणा और पंजाब की अगर हम बात करें तो ये लोग चंडीगढ़ को लेकर इनका इशू चल रहा था ठीक है जैसे अभी तो हमें पता है कि शेड है पर पहले क्या हुआ था 1985 में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी उन्होंने बीच में बोल दिया था कि चंडीगढ़ हम पूरा प्रॉपर पंजाब को दे रहे हैं पर बोल तो दिया था पर इस चीज को हमने अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं करा है तो ऐसे अलग अलग स्टेट्स बाउंड्री या किसी शहर को लेकर लड़ते झगड़ते रहते हैं नेक्स्ट रिवर वॉटर ठीक है नदियों को लेकर भी लड़ाई झगड़े होते हैं स्टेट्स के बीच में जैसे आपने कावेरी डिस्प्यूट के बारे में बहुत सुना होगा तमिलनाडु और कर्नाटका कावेरी नदी को लेकर आपस में बहुत ज्यादा लड़ते हैं नर्मदा नदी के ऊपर भी बहुत डिस्प्यूट्स होते हैं गुजरात मध्य प्रदेश महाराष्ट्र ये लोग आपस में नर्मदा नदी को लेकर लड़ते झगड़ते रहते ठीक है नेक्स्ट टॉपिक क्या है स्पेशल प्रोविजन स्पेशल प्रोविजन में आपको बताया जा रहा है कि वैसे तो सारे स्टेट्स बराबर ही हैं ऑब्वियसली पर आ, क्या होता है कभी कभी कुछ स्टेट्स के थोड़े स्पेशल सर्कमस्टांसिस होते हैं जिसके वजह से उस स्टेट को थोड़ा एक अलग ट्रीटमेंट मिलता है ठीक है तो जैसे नॉर्थ ईस्ट के ज्यादातर जो स्टेट्स हैं वहाँ पे ट्राइबल लोग बहुत ज्यादा हैं वहाँ की हिस्ट्री अलग है वहाँ का कल्चर अलग है तो इसीलिए उन स्टेट्स को थोड़ा एक अलग ट्रीटमेंट मिलता है हिली स्टेट्स के साथ भी ऐसा है ठीक है हिमाचल प्रदेश हो गया और बाकी और भी कुछ स्टेट्स आंध्र प्रदेश गोवा गुजरात महाराष्ट्र सिक्किम तेलंगाना इन सबको थोड़ा सा एक डिफरेंट ट्रीटमेंट मिलता है ठीक है इसी में ही अब आपका सेपरेट टॉपिक है जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर को बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में सेपरेट या डिफरेंट ट्रीटमेंट कैसे मिलता आया वो समझते हैं ठीक है तो जम्मू कश्मीर के पास भी स्पेशल स्टेटस था ठीक है तो जब हमें आजादी मिलती है ना तब जम्मू कश्मीर के पास दो ऑप्शन थे एक ऑप्शन तो था कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए दूसरा ऑप्शन था कि जम्मू कश्मीर इंडिया का पार्ट बन जाए पर काफी टाइम तक जम्मू कश्मीर बोलता है कि मुझे किसी का भी पार्ट नहीं बनना मुझे ना ही पाकिस्तान का पार्ट बनना है ना ही इंडिया का पार्ट बनना है जम्मू कश्मीर इंडिपेंडेंट रहता है पर फिर क्या होता है ये बात है अक्टूबर 1947 की पाकिस्तान कश्मीर के ऊपर अटैक कर देता है कश्मीर के ऊपर कब्जा करने के लिए उस टाइम पर कश्मीर में एक राजा थे महाराजा हरि सिंह महाराजा हरि सिंह इंडिया की मदद मांगते हैं कि यार पाकिस्तान तो मेरे ऊपर अटैक कर रहा है आप लोग यहां पर आओ और पाकिस्तान को भगा दो ठीक है एंड फिर हम लोग वहां जाते भी हैं पाकिस्तान को भगाते भी हैं एंड उसके बाद हम लोग जम्मू कश्मीर को अपने इंडिया का पार्ट बना लेते हैं पर हाँ जम्मू कश्मीर को हम थोड़ी ऑटोनॉमी देते हैं काफी मामलों में जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल ट्रीटमेंट दी जा रही थी तो एक आर्टिकल था आर्टिकल 370 ठीक है तो आर्टिकल 370 में क्या बोला जाता था द कंकरेंस ऑफ स्टेट वॉस्ट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग एनी लॉस इन मैटर्स ऑफ यूनियन एंड कंकरेंट लिस्ट नॉर्मली इंडिया के बाकी सारे स्टेट्स में क्या होता है अगर कोई चीज यूनियन लिस्ट के अंदर आ रही है या कंकरेंट लिस्ट के अंडर आ रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना देती है यहाँ पर क्या था कि अगर यूनियन लिस्ट के किसी सब्जेक्ट के ऊपर हमें कानून बनाना है ठीक है तो हमें कश्मीर के स्टेट गवर्नमेंट से कंसेंट लेना पड़ेगा एक्सेप्टेंस लेना पड़ेगा तभी हम वो कानून बना सकते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थोड़े से लिमिटेड पावर्स होते थे जम्मू कश्मीर के कंटेक्सट में ज्यादातर केसेस में क्या होता था कि जम्मू कश्मीर के स्टेट गवर्नमेंट से हमें अप्रूवल लेना पड़ता था कुछ करने से पहले फिर प्रेसिडेंट क्या करते हैं दो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर्स लेकर आते हैं ठीक है जिसके थ्रू क्या होता है ज्यादातर हमारा संविधान जम्मू कश्मीर में भी एप्लीकेबल हो जाता है ठीक है तो जम्मू कश्मीर का अलग कॉन्स्टिट्यूशन था फ्लैग था ठीक है तो ये सारी चीजें चल रही थी और किस मामले में हमने स्पेशल ट्रीटमेंट दी जम्मू कश्मीर को नो एमरजेंसी ड्यू टू इंटरनल डिस्टर्बेंस कुड बी डिक्लेयर्ड इन जम्मू कश्मीर विदाउट द कंकरेंस ऑफ द स्टेट अगर आपको इमरजेंसी डिक्लेयर करनी है इंटरनल डिस्टर्बेंस के अंडर इमरजेंसी डिक्लेयर करनी है तो भी आपको क्या करना होगा आपको स्टेट गवर्नमेंट को अलाइन करना होगा स्टेट गवर्नमेंट को बताना होगा ठीक है तभी आप कर सकते हो ठीक है नेक्स्ट सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पे फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं कर सकती थी ठीक है तो ऐसे कुछ कुछ इश्यूज थे सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ करना होता था तो स्टेट गवर्नमेंट को बताना होता था उनसे अप्रूवल लेना होता था ये सब वहां पे चल रहा था ठीक है तो ऐसे मैटर्स में जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल ट्रीटमेंट दी जा रही थी बट एक चीज याद रखना आज के टाइम पर स्पेशल स्टेटस जो जम्मू कश्मीर को मिलता था आर्टिकल थ्री के अंडर आज के टाइम पर वो नहीं है ठीक है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 2019 में जिसके अंडर हमने क्या करा जम्मू एंड कश्मीर को दो यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया एक है जम्मू एंड कश्मीर और एक है लद्दाख और 31 अक्टूबर 2019 से ये अरेंजमेंट हमने इंप्लीमेंट भी कर दिया अब ये इफेक्ट में भी आ चुका है और इसी के साथ आप लोगों का चैप्टर फिनिश हो गया तो ये कन्फेटी टाइम है वेरी गुड तुम लोगों ने एक और बहुत ही लेंदी चैप्टर खत्म कर दिया है निपटा दिया है आई एम सो प्राउड ऑफ यू ऑल सब लोग अपने लिए जल्दी जल्दी क्लैपिंग कर दो तो आज चैप्टर खत्म करा है कल सात बजे इसी चैनल पर मैं लाइव आऊंगी इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यू को करेंगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे तो मिस नहीं करना सब लोग टाइम से आ जाना और अगर यहाँ पे कोई ट्वेल्थ क्लास का बच्चा है तो अभी पांच मिनट में मैं ट्वेल्थ की क्लास स्टार्ट कर रही हूँ तुम लोग वहां पर भी आ जाना ठीक है चलो तो ये तो हमारी यूट्यूब क्लास थी आप अन अकेडमी के ऐप पर भी हमारे क्लासेस को देख सकते हो फ्री क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आपको बस एक कोड डालना है अनुष्या और आप हमारी सारी फ्री क्लासेस को देख पाओगे अगर आप नेक्स्ट लेवल प्रिपरेशन करना चाहते हो क्लास इलेवेंथ ट्वेल्थ या सी की तो आप हमारे बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हो इन बैचेस को ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बैच को ज्वाइन करते टाइम कोड यूज करना अनुष्या ताकि आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिले और सब लोग हमारे टेलीग्राम 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 चैनल 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 को ज्वाइन कर लेना सोशल स्कूल नाम से ही है भी एंड का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है एंड अब ये चैप्टर खत्म हो चुका है तो इस चैप्टर के नोट्स में आज रात को इसी टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगी तो सब लोग ज्वाइन कर लेना क्लास की सारी अपडेट्स भी इसी टेलीग्राम चैनल पर आती हैं ओके चलो बच्चों तो आज मेनली मुझे आप लोगों को इतना ही कराना था तो आई होप आज का ये लेक्चर आपको हेल्पफुल लगा अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो और अपने सारे क्लासमेट्स के साथ शेयर करो एंड शो योर लव एंड सपोर्ट इन कमेंट सेक्शन अभी जब क्लास खत्म होगा तो मैंने तुम्हें एक होमवर्क भी दिया आई होप तुम्हें याद है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इंडिया में कोई नेशनल लैंग्वेज है क्या ठीक है तो ये आप लोगों को कॉमेंट सेक्शन में बताना है चलो तो अभी के लिए इतना ही स्टूडेंट्स सब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में टिल देन बाय बाय टेक केयर एंड थैंक यू